हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड अभी मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फ्रेंड चंडीपुर से कॉल आया था और ऐसा ही खतरनाक सांप था जो कि रात को वो बंदा सोया हुआ था और वो कान में हेडफोन लगा के सोया था और हेडफोन व्हाइट कलर का था और उसी में लिपट के उसी के साथ ही सोया हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो वो अचंभव हो गए और सांप वहां से धीरे धीरे निकल के बिल में चला गया। तो ये एक इंडियन कॉमन क्रेथ है, इनकी नेचर इनका बिहेवियर ऐसा ही है और वो एक निशाचर होने के साथ साथ रात को ही एक्टिव होता है। तो फ्रेंड अभी सांप को लेके आए हैं, कैमरामैन आज हमारे साथ कोई नहीं है, आज मैं खुद ही अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे भी बने वीडियो पूरा जानकारी देने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड सांप हमारे पास है, मैं इसको डब्बे में पैक करके लाया, इसको ऑक्सीजन के लिए होल बना दिया। तो अभी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी देंगे किससे क्या होता है, नहीं होता है, कैसे एक्टिव होता है, किस मौसम में पाया जाता है, कैसा टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो निकालते हैं। तो फ्रेंड देख के आप समझ सकते हैं इसको, तो फ्रेंड यही है इंडियन कॉमन क्रेथ। जिनसे जिनके घर में घुसा था उसके घर में वो जिस लड़के के पास ये तकिए के बगल में सोया था तो वो भी इनसे बाल बाल बचे। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड हल्का सा हमने कैच किया आपको दिखाने के लिए कि ये एक बहुत ही खतरनाक और मोस्ट वेनमस स्नेक है जो कि रात को ही अधिकतर एक्टिव होता है। ये तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से छुपने की कोशिश कर रहा है। बंगला में इसको शाकामोटी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में कॉमन क्रेथ, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस आपकी और एक बात बता देता हूँ, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन विद प्रियंसपोर सिनेप्टिम होता है जो कि बहुत ही हाईली वेनमस स्नेक है। और अभी देख लेना ये किस प्रकार से छोटे मोटे झाड़ियों पे छुपने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमारा कैमरा भी इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है फिर भी हम आपको दिखाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसके काटने से इंसान का मौत तो होता ही है लेकिन यह सांप जब काटता है तो अपने दो बीजदंत का निशान कभी नहीं होता है, छोटा छोटा निशान होता है और देखने से पता भी नहीं चलता है। और इंसान के बिस्तर में रहना रात को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और इंसान का जो टेम्परेचर जो तापमान होता है उस तापमान में रहना और भी ज़्यादा पसंद करता है ये, उस तापमान में रहना और भी ज़्यादा पसंद करता है ये। और जब इंसान अंगड़ाई लेता है सोते समय उसके बाद अगर हाथ पैर में थोड़ा दबाव पड़े तो उसके बाद ही ये वाइट कर लेता है क्योंकि गुस्सा हर चीज़ में होता है, चाहे वो सांप हो या कोई भी जीव जंतु हो, हर जीव जंतु गुस्सेला ही होता है। अगर उसे सही ढंग से पकड़ा जाए या तो उसको सही ढंग से रेस्क्यू किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर किसी भी जीव जंतु से हम अगर थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और जान बचाने के लिए दूसरे पर हमला भी कर सकता है। तो फ्रेंड इसके काटने से छोटा छोटा निशान होता है, इनका जो दांत का छोटा छोटा निशान होता है जिसे देखकर आप पता भी नहीं लगा सकते कि मुझे एक सांप ने काटा है। और मच्छर या तो चींटी जैसा हल्का सा जलन होगा और उसके बाद जाके धीरे धीरे इंसान या तो मोमेटिंग करना शुरू करेगा, आँख में पानी आना शुरू हो जाएगा या तो दस्त होना शुरू हो जाएगा, आंखों में धुंधलापन दिखना शुरू हो जाएगा। ये सांपों के काटने का कुछ लक्षण होते हैं। तो आप इसका पहचान देख सकते हैं, ये ब्लैक में ये वाइट वाइट लेयर बने हुए होते हैं, ये कॉमन क्रेथ का इसका जो पहचान है, ये इस सांप का पहचान है।
देख सकते हैं आप। और ये रात को ही एक्टिव होने वाला सांप है, तो आप भी ऐसे सांपों को कभी मत मारिए, इससे हमारा पर्यावरण बचा रहता है और हमारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सिस्टम में अपना अहम भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड जाने देते हैं इसको, यहीं पे करते हैं रिलीज इसको, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।